कैसे हो? एंजॉय कर रहे हो? छुट्टियां चल रही है? अपना नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। बात चल रही है 8th फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन क्लास, स्पेशली डिजाइंड सिलेबस जिस क्लास में डिस्कस होता है उस क्लास को हम बोलते हैं फाउंडेशन क्लास। आपके स्कूल लेवल पे जो भी एग्ज़ाम्स आती है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स, उनके लिए ये सिलेबस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मैं तो ये कहूँगा कि उन्हीं एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए ये सिलेबस हमने बनाया है। और डेफिनेटली 10th के बाद जब आप 11th और 12th की प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद आने वाली एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जिसको हम JEE या नीट बोलते हैं, उसके लिए हम अभी से ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और अपना ये वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, अब ये सिंथेटिक फाइबर में हमारा फोकस ऑब्वियसली, जब सिंथेटिक फाइबर ये वर्ड यूज़ हो रहा है तो दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक को कुछ और नाम है जिनको बोला जाता है मैनमेड फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स। फाइबर वो एलिमेंट होता है जिसमें से धागा निकलता है। मीन्स जब आप कॉटन को ले लेते हो, कपास, तो कपास की टेंडेंसी है कि उसमें से धागा निकलेगा, तो वो हमारे लिए हो गया है फाइबर। वुल आपने देखी होगी, वुल की भी टेंडेंसी है कि उसमें से धागे निकलते हैं, मतलब वो हमारे लिए है फाइबर। बट ये जो एग्जांपल हो गई, ये नेचुरली एग्जिस्ट है तो इसको हम नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे। मगर नेचुरल फाइबर से थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे हम, थोड़ा सा उनके साथ मजाक करते हैं, तो नए नए टाइप के फाइबर्स मिलते हैं, इनको हम नाम देते हैं सिंथेटिक फाइबर। उसी सिंथेटिक फाइबर की रेंज में अपना पहला सिंथेटिक फाइबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेयॉन। उसका नाम है रेयॉन। रेयॉन, ये रेयॉन नाम का एक सिंथेटिक फाइबर है। ये सिंथेटिक फाइबर बनता किससे है, तो उसके लिए जो बेसिक मटेरियल लगता है उस मटेरियल का नाम है सेल्यूलोज। रेयॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज जनरली हमको मिलता है वुडन एलिमेंट से, वुड, लकड़ा, उसमें के जो बेसिक बेसिक पार्टिकल्स होते हैं या छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनको यूजुअली सेल्यूलोज बोला जाता है। अब वो सेल्यूलोज से हम ये रेयॉन बनाते हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं बनता, उसके लिए हमको कुछ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करनी पड़ती है, जो कि रिएक्शंस हम लैब में परफॉर्म करते हैं। मतलब एक हमारे लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमारे लिए नेचुरल है जो पेड़ों से मिलता है, और उसके ऊपर प्रोसेस करके हम बनाते हैं रेयॉन। अब ये रेयॉन फैब्रिक मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्लोथ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने वर्ड सुना होगा रेयॉन सिल्क, या रेयॉन की साड़ी होती है, रेयॉन के पर्दे होते हैं, रेयॉन्स के जो कवर रहते हैं, पिलो कवर हम जिसको बोलते हैं, उसमें यूजुअली ये रेयॉन का कपड़ा यूज़ होता है। अब ये जब रेयॉन की बात करते हैं तो ये रेयॉन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो बहुत सॉफ्ट होता है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, और उसकी सॉफ्टनेस की वजह से हम यूजुअली उनको पिलो कवर्स में यूज़ करते हैं। सॉफ्टनेस हमको मिलनी चाहिए इसलिए, ठीक है। अब दूसरा, सेल्यूलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, जैसा मैंने अभी बताया। इट नीड्स एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट टू फॉर्म रेयॉन। तो ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उसके लिए जो बेस है वो नेचुरल है, दैट इज सेल्यूलोज।
बट वो सेल्यूलोज को थोड़ा सा और आगे हम ले जाते हैं, उसकी और रिएक्शंस को हम करते हैं, तो उसके बाद हमको मिलता है रेयॉन। ये रेयॉन का दूसरा भी नाम है, इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क, इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। अब जो प्रॉपर्टी सिंथेटिक फाइबर शो नहीं करती है यूजुअली, बट ये रेयॉन वो प्रॉपर्टी को शो करता है, और वो प्रॉपर्टी है इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड इट इज कंफर्टेबल टू वियर। ये पहनने में भी बहुत आसान है, और अगर मॉइस्चर कहीं पे प्रेजेंट है तो ये मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये रेयॉन अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है, मतलब आपके पास में कलर की भी चॉइस है। अपने को पहनते वक्त हम बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं कि कौन सा कलर मुझ पे सूट करेगा नहीं करेगा। फिर आप शॉप में जाते हो, वो बोलता है सर ये आपके बहुत सूट कर रहा है, ये कलर आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये रेयॉन के आपके पास में अलग अलग कलर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, वो अलग अलग कलर्स में आपको मिलता है। इसका सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे यूज़ है तो वो यूज़ कपड़ों में है, इसके बहुत ज़्यादा कपड़े यूज़ होते हैं, और इसके एडवांटेज ये है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और वो कंफर्टेबल है पहनने के लिए। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स है, आप प्लीज़ इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लो, हो गया। ओके, अब ये रेयॉन का जो बेसिक डिस्कशन था वो हमने यहाँ पे किया कि वो बनता कैसे है, और इसके बाद अब इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या उनकी कोई प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टी है आपके रेयॉन की, सबसे पहला तो ये लाइट वेट होता है। रेयॉन का जो भी कपड़ा होता है या इससे बनने वाले जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, मतलब कैरी करने में बहुत आसान होते हैं। दूसरा, ये क्या करता है, तो ये स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, स्वेट एब्जॉर्बेंट एज वेल एज मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट। तो ये रेयॉन के कपड़े क्यों पहने जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, पसीना एब्जॉर्ब करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन। सबसे पहला है कि वो लाइट वेट होता है, दूसरा वो स्वेट एब्जॉर्बेंट है, तीसरा जब हम आपके लिए इसकी बात करेंगे तो ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, डिफरेंट कलर्स शेड्स आर अवेलेबल, अलग अलग कलर में आप इसको चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, नंबर 4, गुड इन अपीयरेंस, दिखने में बहुत अच्छा लगता है,
मतलब जब भी कभी आप इसको पहन लोगे तो अच्छे भी तो दिखने चाहिए, वैसे ही पहनोगे क्या? नहीं सर, अच्छे दिखने चाहिए। तो अपीयरेंस में भी आप अच्छे लगते हो। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है आपके रेयॉन की। अब ये रेयॉन की प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ उसकी है। अब इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो यूजेस के बारे में जब बात होती है तो यूजेस के लिए जब हम सर्जिकल ड्रेसिंग की बात करते हैं, जो एक ब्राउन पट्टी लगा देते हैं वो ड्रेसिंग करने के बाद, वो यूजुअली रेयॉन की होती है। ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपने लिख ली होगी तो फिर मैं यहाँ पे यूजेस आपके सामने लेके आऊँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन अगर आपने लिख लिया होगा तो अब हम बात करेंगे यूजेस। यूजेस ऑफ रेयॉन, यूजेस ऑफ रेयॉन। इसमें सबसे पहला वाला जो यूज है, सबसे पहला वाला यूज एज अ क्लोथ्स, जो कि बहुत ज्यादा बार यूज होता है, कि वो रेयॉन के कपड़े बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, रेयॉन के कपड़े बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। दूसरा, इसको हम यूज करते हैं एज अ कर्टन, इसको हम यूज करते हैं एज अ कर्टन। कर्टन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो, अब कर्टन के दो मतलब होते हैं, वो जो पर्दे हम लगाते हैं खिड़कियों को, उनको भी कर्टन बोला जाता है, और जो पिलो कवर्स है उनको भी हम कभी कभी कर्टन्स बोलते हैं। अब जो कि ये रेयॉन सॉफ्ट होता है तो वो पिलो के ऊपर अच्छे तरीके से वो एडजस्ट हो जाता है जल्दी, ठीक है, जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड है ड्रिप्स, DRAPES। ड्रिप्स का मतलब होता है कि कोई भी कवर करने के लिए यूज होने वाला कपड़ा, तो वो कपड़ा यूजुअली किसका होता है, तो रेयॉन का होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है और इसीलिए वो जल्दी से एडजस्ट हो जाता है वो पर्टिकुलर पिलो में। तो एज अ कर्टन अब इसको हम लिख सकते हैं एज अ पिलो कवर, एज अ पिलो कवर। अब ये जो यूजेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये अपने घर वाले यूज हो गए, मीन्स जो यूजेस हम घर में करते हैं। अब इसका एक और यूज है, जब हम सर्जिकल ड्रेसिंग्स की बात करते हैं तो वो ड्रेसिंग करते वक्त कुछ कपड़े ज़रूरी होते हैं और वो कपड़े सॉफ्ट होने चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे भी रेयॉन यूज होता है इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स, इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स। कौन सा कपड़ा यूज होता है, तो रेयॉन का कपड़ा यूज होता है। सर हम ये क्यों देख रहे हैं, ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आगे जब हम अलग अलग टाइप्स के पॉलीमर्स देखेंगे, पॉलीमर्स को देखने का या सिंथेटिक फाइबर्स को देखने का एक तरीका है जो हम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला, वो बनता कैसे है, दूसरा बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और तीसरा वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मतलब उसके यूजेस क्या क्या है, ये हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब ये उसके हो गए कुछ डोमेस्टिक यूजेस, इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ किया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है विथ फाइबर ग्लास फॉर मेकिंग हेलमेट्स, मिक्स्ड विथ फाइबर ग्लास
फॉर मेकिंग हेलमेट्स, फॉर मेकिंग हेलमेट्स। अब अगर उसका यूज है एज अ हेलमेट तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। तो एक बात ध्यान में रखना, नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस ये है कि आर्टिफिशियल को हम अपने तरीके से बना सकते हैं। अगर उसका यूज है डोमेस्टिक, मीन्स घर पे अगर उसको यूज करना है तो डेफिनेटली हम उसको सॉफ्ट बनाएंगे। मगर उसी से कुछ थोड़ी हार्डर चीज बनानी है, टफ वाली कोई आपको चीज बनानी है, तो उसको हम थोड़ा सा हार्ड भी कर सकते हैं। अब ये सब करते वक्त हमको थोड़ा बहुत उसमें केमिस्ट्री ऐड करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, आप इस रेयॉन को बनाते वक्त थोड़े थोड़े उसमें चेंजेस कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट रेयॉन फॉर यू। ये रेयॉन आपके लिए क्या है? तो ये रेयॉन बनता कहाँ से है? तो बनता वो वहाँ से है जहाँ से उसको सेल्यूलोज मिलता है। अब सेल्यूलोज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से भी आता है, बहुत बार वो वुड से भी आपको मिलता है। फिर ये सेल्यूलोज के ऊपर प्रोसेस की जाती है, प्रोसेस करने के बाद आपको रेयॉन मिलता है, जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो सॉफ्ट होता है, उसका नेचर है सॉफ्ट, इसीलिए वो पहनने में बहुत इजी है, वो लाइट वेट है, इसलिए आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो। और नेक्स्ट वाला पार्ट ये है कि वो अलग अलग कलर्स या अलग अलग शेड्स में आपके लिए अवेलेबल है कपड़ा, तो आपको जो भी कलर सूट होता है उस हिसाब से उस कपड़े को यूज़ कर सकते हो। क्लियर? एज अ कर्टन आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपने बहुत बार रेयॉन सिल्क ये वर्ड सुना होगा, इसको कभी कभी आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं आपके सिंथेटिक फाइबर। पहला सिंथेटिक फाइबर हमने जो देखा उसका नाम है रेयॉन। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम और भी नए नए फाइबर्स देखने वाले हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, नोट्स निकालते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।